आप लोगों को ये ब्लू पॉन्ड कैसा लग रहा है? थोड़ा सा गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा जगह है ये। ठीक है, मेरे को सामने से तो बहुत ऑसम लग रहा है। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग गाइस, आज मैं आप लोगों को ले चल रहा हूँ ब्लू पॉन्ड। ठीक है, जो झारखंड का सबसे ऑसम जगह है, जहाँ पर पूरा तालाब में नीला पानी है और वहाँ भी कुछ कुछ रहस्य है। मतलब वहाँ पर फैंस बोला जाता है कि बहुत सारे लाश, बहुत सारे मौत हुई है। ठीक है, तो आज मैं वहीं जा रहा हूँ और एक तरीका से देखने के लिए भी वो बहुत सही जगह है, बहुत ऑसम जगह है, चिल आउट करने वाला प्लेस है जहाँ पर आप शांति में चिल कर सकते हैं। ठीक है, आपको वो अच्छा लगेगा। तो फिर से मैं निकल चुका हूँ अपने राम प्यारे के साथ, देख सकते हैं आप, मेरा राम प्यारे वहाँ पर खड़ा है। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आप लोग को हम लोग ब्लू पॉइंट में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल में अगर नए हैं तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जो है, जो बेल है, उसको ऑल पे सेट कर दें। ठीक है, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आप लोगों को टाइम पे मिल जाए और आप लोग उसको देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं गाइस। हमारा ये जो ब्लू पॉन्ड है, ये बाल स्प्रिंग में स्थित है। ठीक है, और ये रांची से, मतलब रांची से आप देखेंगे तो रांची से लगभग ये 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों को ब्लू पॉन्ड पे। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हम लोग टीपूदाना रिंग रोड में चल रहे थे और रिंग रोड जस्ट समाप्त हुआ है और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट रास्ता कटता है, जहाँ पर मेरी राम प्यारी खड़ी है वहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से रास्ता जाता है ये ब्लू पॉइंट। अभी हम लोग बारसलिंग के पास है। ठीक है, ये जगह का नाम बारसलिंग है। ठीक है, तो यही वो जगह है, यहाँ से आपको आकर के लेफ्ट रास्ता कटता है, इस रास्ते पर आपको जाते हैं तो आगे चल के आप लोगों को ब्लू पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स वहीं पर ब्लू पॉइंट पे और देखते हैं अभी कैसा दिख रहा है वो। और फ्रेंड्स, अभी तो मैं किसी के साथ आया हूँ वो तो मैं बताने भूल गया था, तो मैं आज इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, मैं कुंदन जी, कुंदन और ये मेरा फ्रेंड निखिल, हम लोग तीनों निकले हैं यात्रा पर। तो मिलते हैं आप लोगों अमरनाथ की यात्रा पर, नीला पानी में। जय हो, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। देख सकते हैं फ्रेंड, यही वो रास्ता है, बस कुछ ही देर में आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर सीन बहुत अच्छा था, व्यू बहुत सही था, तो मैं सोचा कि एक बार आप लोगों को दिखा दूँ। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं ब्लू पॉन्ड में और दिखाते हैं वहाँ का सीन। यही वो रास्ता है। ठीक है, मिलते हैं। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं ब्लू पॉइंट में। सोचे कि कुछ खाने पीने के लिए सामान लेना भी ज़रूरी है, तो देख सकते हैं निखिल बाबू स्टिंग ले लिए हैं और हम लोग जा रहे हैं, तो कुछ खाने पीने के अभी ले ही लिए हैं गाइस। ये स्टिंग है, गलत मत समझिएगा, बस स्टिंग ही पियेंगे हम लोग वहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी आप लोगों को वहाँ दिखाते हैं व्यू, कितना मस्त है वहाँ का, ऑसम व्यू दिखाते हैं। आया क्या पियोगे बताओ? स्टिंग पीना है, स्टिंग पियेंगे और हो सके तो महादेव जी का कृपा होगा तो कुछ कुछ और सब लगता है। बस कच्चा रोड है, कच्चा रोड के बाद पक्का वाला ब्लू पॉन्ड आ जाएगा, तो वही चलते हैं हम लोग। हम मिलते हैं, दिखाइए निखिल जी वहाँ का व्यू, दिखाइए कितना मजा आ रहा है। वाओ, तो गाइस कुछ इस तरह का रोड देखने को मिल रहा है, इधर कच्चा रोड है, आने में आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। लेकिन गाइस जगह बहुत ही मस्त है, यहाँ चलने में मज़ा आ रहा है, रियली बता रहे हैं। एकांत जगह है जहाँ पर आप लोग आते हैं तो आप लोगों को शांति बहुत ज़्यादा मिलेगा। देख सकते हैं वो पहाड़ क्रेशर से कटा हुआ है सब सारा कुछ, ये मानव निर्मित द्वारा ही बनाया हुआ है। ये जगह लिए दिख लीजिए, बस आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर पहुँचे।
व्यू देख सकते हैं कैसे मस्त लग रहा है कि पहाड़ को कैसे काटा हुआ है, और इसी तरह पहाड़ को काट करके ही कहीं पर ब्लू पॉन्ड बना हुआ है जो मानव के द्वारा ही निर्मित किया गया है। तो मिलते हैं हम लोग आगे ब्लू पॉन्ड में। देख सकते हैं गाइस आप लोग कितना मस्त और कितना औसम नज़ारा है यहाँ पे, एकांत जगह में कितना औसम लग रहा है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता हूँ रियली। वहाँ एक क्रेशर मशीन है, ठीक है, तो यहाँ पर पहाड़ को काट करके गिट्टी, आप लोगों को पता है कि क्रेशर क्या करता है, गिट्टी पहाड़ को जो जो पत्थर रहता है बड़ा बड़ा पत्थर वो लोग को काट करके छोटे छोटे गिट्टी बनाता है, क्रेशर उसी को बोलते हैं, क्रेशर मशीन, ठीक है। तो देख सकते हैं वहाँ पर क्रेशर मशीन है, उधर मैं जाकर दिखाता हूँ आपको, और आप देख सकते हैं कि कितना मौसम लग रहा है जगह। मेरे पीछे ये क्रेशर मशीन है, ठीक है, यही जितना भी पहाड़ आप देखे थे वहाँ पर कटा हुआ पहाड़ को काट करके यहाँ पर उस पर ये रहा गिट्टी, ठीक है, छोटे छोटे गिट्टी बनता है इससे, इस मशीन से। तो आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो ब्लू पॉइंट का जो कहानी है ना, रियल कहानी यही है कि बड़े बड़े चट्टान पहाड़ को काट करके वहाँ पर जाके गड्ढा हो गया है मानव के द्वारा, और वो लोग उस पहाड़ को उठा करके क्रेशर में डाल करके गिट्टी बनाते हैं, और आप लोगों को पता है कि इस गिट्टी की यूज़ कहाँ होता है, ठीक है। तो कुछ ही दूर में है ब्लू पॉइंट, तो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, ठीक है, वो ब्लू पॉइंट कैसा दिखता है और क्या है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे पहाड़ को काट के डाला जाता है इस कंटेनर में, उसके बाद प्रोसेसिंग है, कुछ कुछ प्रोसेस है जो कट के रखा जाता है, और छोटा छोटा पार्ट्स निकलता है गिट्टी, जो आप यहाँ देख सकते हैं। वीडियो करो तो गाइस देखिए कितना मुश्किल से हम लोग को ब्लॉग्स बनाना, कितना मुश्किल का बात है गाइस, आप लोग देख सकते हैं कितना मुश्किल से हम लोग एक बाइक में ट्रिपल लड़का लोग जा करके, देखिए हंस तो रहा है लेकिन बहुत मुश्किल से अपना मतलब कर रहे हैं। ये देखिए मेरा फ्रेंड है, एक मोबाइल देखिए ऐसा पकड़ा हुआ है और एक अपने स्टिक हाथ में लिए हुए गाइस। उसके बाद भी आप लोग को हम चाह रहे हैं कि सारा चीज़ आप लोग को एक एक चीज़ दिखा के चले, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके गाइस, तो हम लोग बस पहुँचने वाले हैं, पानी वो नहीं बह रहा पूरा, चलो चलो देखिए गाइस पूरा बाहर ऐसे फ्रंट कैमरा से तो नहीं दिखा सकते, लेके देखिए पिक्चर रफी है गाइस। तो स्ट्रगल के बाद हम लोग आखिर में ब्लू पॉइंट पहुंच चुके हैं, जो मेरे पीछे ही है, आपको दिख रहा होगा कि मेरे पीछे ही ब्लू पॉइंट है, तो आप लोगों को मैं ले चलता हूं ब्लू पॉइंट के पास। बाकी अब देख सकते हैं ये लोग सच धज रहे हैं कुंदन, ये लोग रास्ता में कम कॉमेडी नहीं किया कसम समझ आ नहीं, हम लोग रास्ता भटक भटक के हम पहुँच ही गए, आखिर रास्ता पूरा भटक गए थे, वो तो भला हो उस बच्चे का जो हम लोग मिल गया सच्चे में, हाँ भला उस बच्चे का जो हम लोग को सही रास्ता दिखाया अभी। तो अभी हम लोग यहाँ पे देखिए फ्रंट दिखाइए, देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं, कुछ कुछ बाइक इधर भी लगा हुआ है, कुछ कार देख सकते हैं आप इधर भी लगा हुआ है, ठीक है, तो बहुत लोग यहाँ पर आते हैं। और चलिए तो यही रहा हमारा ब्लू पॉइंट, देख सकते हैं गाइस कितना ऑसम लग रहा है। देखिए निखिल जी पूरा चढ़ के, देखिए जी यहाँ से खतरा सा खेलना नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा दूर रहिए, जा रहा है आप खतरे पर खेल रहे हैं, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हम लोग ब्लू पॉइंट पहुँच चुके हैं, और यही है ब्लू पॉइंट, अभी थोड़ा यहाँ पे धूप नहीं है फिर भी आप लोगों को पानी दिख रहा होगा कि नीला है, कितना मौसम दिख रहा है गाइस। ये चिल ऑसम है जगह है, चिल आउट करने के लिए, शांति लोकेशन में आने के लिए। करीब जाके दिखाता हूँ आप लोग, ऊपर से व्यू तो देख चुके हैं ब्लू पॉइंट का, और मैं थोड़ा सा और करीब से आपको दिखाता हूँ, बहुत ही मस्त जगह है फ्रेंड्स, देख सकते हैं बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। Thank you.
देख सकते हैं हम लोग पानी ब्लू पॉइंट के एकदम करीब में आ चुके हैं। देख सकते हैं आप यहाँ का व्यू कितना ऑसम है। हाँ निखिल देख सकते हैं कि मेरा फ्रेंड निखिल ये भी आ रहा है। तो आप लोगों को ये ब्लू पॉन्ड कैसा लग रहा है थोड़ा सा गाइस मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा जगह है ये। ठीक है, मेरे को सामने से तो बहुत ऑसम लग रहा है। और गाइस मैं इसके बारे में एक विशेषता है वो मैं आपको बताता हूँ अभी। तो यही है हमारा ब्लू पॉन्ड, मानव निर्मित, मानव द्वारा निर्मित किया हुआ ब्लू पॉन्ड। मैं ये वर्ड क्यों बोल रहा है कि नहीं आप लोगों को फ्रेंड्स नहीं पता है तो मैं बताता हूँ। ये मानव निर्मित इसलिए है क्योंकि ये क्रेशर जो मैंने आपको रास्ते में दिखाया था, क्रेशर जो पहाड़ को काट करके गिट्टी बनाता है, तो यहाँ पर से भी पहले पूरा पहाड़ ही था। ठीक है, बहुत मैक्सिमम बड़ा बड़ा पहाड़ था जिसको काट करके पहाड़ को टुकड़े टुकड़े में ले जा करके क्रेशर में डाल करके गिट्टी बनाया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर पहाड़ को काटने के थ्रू बहुत गड्ढा हो गया था जिसमें पानी जम गया और उसी को हम लोग ब्लू पॉन्ड का नाम दे दिए। इसलिए ये मानव निर्मित कहा जाता है। ओके, तो गाइस यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी होती है। अभी तो शाम हो गई है, लगभग टाइम हो रहा है 6 आसपास बज रहा है, तो इसलिए अभी शाम हो गए हैं। और यहाँ इस पॉन्ड में बहुत ज़्यादा ही गड्ढा है फ्रेंड्स, और यहाँ पर बहुत लोग का डेथ भी हुआ है फ्रेंड्स, सुसाइड। और कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डीप गड्ढा है, इसलिए थोड़ा सा रिस्की जगह भी है। इसलिए मेरी आप लोगों से निवेदन है कि जब भी आप लोग यहाँ पे आए तो तालाब के ज़्यादा करीब ना जाए, नहीं तो कोई भी घटना हो सकता है फ्रेंड्स। इसलिए जब भी आप लोग यहाँ पर आए अपना जिम्मेवारी वो आप लोग खुद से रखें। गाइस तो इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग को ब्लू पॉन्ड यही पेंट करता हूँ। ठीक है, और गाइस मेरे चैनल पे बने रहें और ऑसम वीडियो पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब और जो घंटी के बटन है ना उसको ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ऐसे टन से मार दीजिएगा सब्सक्राइब में जाके घंटी को टन से मार के ऑल पे सेट कर दीजिएगा। और मिलते हैं आप लोगों नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, हम घर जा रहा।